मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत 14 नवंबर को प्रस्तावित कार्यक्रम को लेकर शुक्रवार को कलेक्ट्रेट परिसर स्थित जिलाधिकारी कार्यालय के सभागार में एडीएम सिटी आर के श्रीवास्तव की अध्यक्षता में बैठक आयोजित किया गया। बैठक में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में लाभार्थियों के पंजीकरण और तैयारियों को लेकर वीडियो ईओ जिला पंचायत नगर निगम और समाज कल्याण विभाग सहित संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक करते हुए एडीएम सिटी अधिकारियों को निर्देश दिया कि अधिक से अधिक लाभार्थियों को मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में लाभार्थियों का पंजीकरण कराया जाए। सर एडीएम साहब आ गए हैं, उनका सभी का मैं आपसे स्वागत करता हूं। किसी वगैरह साहब हैं सभी हमारे शासन से 14 नवंबर डेट फिक्स हुई है। 14 नवंबर को पूरे प्रदेश में सर हर जिले में कम से कम 500 शादी कराने के लिए निर्देश मिले हैं। 451 का मिला है सर, 3 महीने रहे थे, कहीं परसों गए हैं। प्रमुख सचिव साहब भी आए थे और यह निर्देश दिया गया है कि आपके जनपद के लिए कोई लक्ष्य नहीं है, यह लक्ष्य केवल रिगो के लिए बनाया गया है और सभी प्रदेश के सभी जिलों में 351 लोगों की शादी इस निर्धारित तिथि पर होनी है। बैठ रहे हैं क्योंकि आप डेट तब तक फिक्स नहीं हुई थी, अभी इसमें 14 नवंबर की डेट फिक्स हुई है। सभी को सर लक्ष्य 62 का सभी विकास खंडों के लिए निर्धारित किया गया था। नगर निगम के लिए 100 का मिनिमम निर्धारित किया गया, नगर पंचायतों के लिए 19 ब्लॉक है तो उनका कम से कम 25 का एवरेज। हाँ सर, वैसे 60 का निर्धारित किया गया था, लक्ष्य 1500 का मिला। 14 नवंबर के लिए 30 का लक्ष्य, 30 का लक्ष्य है ये 14 नवंबर के लिए है, ये साल का लक्ष्य के लिए और 100 नगर निगम के लिए। तो यह तिथि 14 नवंबर है, आप लोग यह बताएंगे कि ये जोड़े हमारे इतने पंजीकृत हो गए हैं, 15 दिन 20 दिन का समय ले लीजिए, बट वो फेल मत करिएगा, नहीं तो अब समय नहीं होगा। तो 15 दिन के अंतर्गत खाता नंबर देंगे, डिमांड देंगे कितना पैसा, 51,000 रुपया इसमें दर है, प्रति जोड़े 51,000 रुपये की धनराशि दी जानी है। तो 51,000 से अपने जोड़ों की संख्या को मल्टीप्लाई करते हुए डिमांड भेज दीजिए, अपना खाता दे दीजिए और क्षेत्र पंचायत का जिसमें पैसा ट्रांसफर होगा तो उसमें पैसा चला जाएगा। कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, 2 लाख रुपये तक वार्षिक आमदनी होनी चाहिए, 18 वर्ष लड़की की उम्र और 21 साल लड़के की उम्र से कम नहीं होनी चाहिए, बस यही 2 क्राइटेरिया और कोई क्राइटेरिया नहीं है। इसमें केवल मोटिवेशन करने की बात है, इसमें 35,000 रुपया बच्चे के खाते में जाएगा, 10,000 रुपये का सामान होगा। सर थोड़ी सी दिक्कत आ रही थी सामान के लिए, लोग ये कह रहे थे हम एक और इनको सर्कुलेट कर दें कि आइटम का ये नहीं है।